नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आप रिलायंस कंपनी के साथ कैसे डायरेक्टली जुड़कर जॉब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी नहीं है, आप डायरेक्ट रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को सुविधाएं देती हैं, जो फैसिलिटी देती हैं, वो सारी आपको भी मिलेगी। जैसे कि आपका टी ए, डी ए, पी एफ वगैरह, आपको मेडिकल इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सारी चीज़ें कंपनियाँ यहाँ पर बियर करती है। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको काम करना पड़ता है, तो आपको उतनी सुविधाएँ नहीं मिलती है और साथ ही साथ आपको पैसे भी कम मिलते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, जो वॉक जॉब वैकेंसी बताने वाला हूं, वो रिलायंस की तरफ से आने वाली है, रिलायंस कंपनी की तरफ से आने वाली है, जिसके साथ जुड़कर आप डायरेक्टली उसके साथ काम कर सकते हैं और सैलरी आपको 15,000 से 45,000 रुपए तक मिल सकती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर करे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आज मैं आपको रिलायंस की तरफ से आने वाली जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रिलायंस ने जो है बिग बाज़ार को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। मतलब कि इंडिया में जितने भी बिग बाज़ार स्टोर थे वो सारे क्लोज हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से रिलायंस कंपनी जो है वो ऑपरेट करेगी। और इसने यहाँ पे बिग बाज़ार की जगह पे इसका नाम जो है वो रिलायंस स्मार्ट बाज़ार रख दिया है। अब सारे आउटलेट्स को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे बम्पर ओपनिंग्स हुई हैं जॉब की, जो लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों को जॉब मुहैया कराएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों मेरा सिर्फ यही था, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे भाई लोग जो हैं वो कंटिन्यू मुझे मेल कर रहे थे, कंटिन्यू मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सर, यदि हमारे पास बाइक नहीं है और हमारी जो योग्यता है वो भी कम है, तो हम कैसे किसी अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 10th 12th पास आउट हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी काम को लेकर, किसी भी काम के साथ, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। यहाँ पे जाइए, देर मत कीजिए, आप अपने नज़दीकी स्मार्ट बाज़ार पे कांटेक्ट कीजिए। और वहाँ पे यदि आपको प्रोसेस नहीं होती, तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऑनलाइन प्रोसेस भी बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप कंपनी को मेल लिखकर अपना रिज्यूम शेयर करके आप अपनी जो दावेदारी है जॉब के लिए वो पक्की कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे वैसे योग्यता का मापदंड जो है वो 10वीं पास वाले व्यक्ति को भी काम मिल सकता है, लेकिन यदि आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए या किसी स्पेसिफिक काम के लिए अपने आप को अप्लाई करते हैं, तो आपके पास उस तरीके की डिग्री और आपके पास अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि हम यहाँ पे इनिशियली बात करें, तो सबसे इनिशियली जो जॉब होती है वो हेल्पर की जॉब होती है। यहाँ पे पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए, मतलब पैकेजिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो पैकेजिंग का काम करते हैं, उसके लिए भी आप सीधे 10th पास, यदि 10वीं पास भी हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी मिलेगी, जिसके लिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप बातचीत करने में अच्छे हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बिलिंग काउंटर में बिलिंग मशीन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि नहीं भी है तो आप एज अ फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पर मैनेजर, सुपरवाइज़र, टीम लीडर और यहाँ पे जो हेड इंचार्ज वगैरह रहेंगी, ये सारी वैकेंसीज़ भी यहाँ पे उपलब्ध होंगी। लेकिन हायर वैकेंसीज़ के लिए, जो हायर पोस्ट है, उसके लिए आपके पास अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कि हम इस जॉब्स के लिए अप्लाई क्या कर कैसे कर सकते हैं और इसके लिए सैलरी स्लैब क्या रहेगा, शिफ्ट क्या रहेगी। तो बारी बारी से मैं आपको सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मली जो है शिफ्ट यहाँ पे रूटीन ऑर्डर में होगी, मतलब एक शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरे व्यक्ति की शिफ्ट चालू हो जाएगी। फिर भी यदि हम एक अंदाज की बात करें, तो आपको 8 से 9 घंटे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपकी शुरुआती सैलरी जो है वो 15,000 से होगी और अधिकतम जो है 40-50 हज़ार रुपये तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ की और बात करते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके हैं, एक ऑफलाइन मेथड है और एक ऑनलाइन मेथड है। सबसे पहले यदि आप ऑफलाइन मेथड की हम बात करें, उसका जिक्र करें, तो जहाँ पे भी ये स्मार्ट पॉइंट जो हैं खुल रहे हैं, जैसे कि अभी लखनऊ में ऑलरेडी रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार
खुल चुका है और बहुत अच्छी सेल हो रही है वहाँ पे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। तो वहाँ पे जो स्टाफ है अभी इनिशियली जितना भी स्टाफ होगा वो तो अवेलेबल है ही, और यदि आप डायरेक्टली वहीं पे या फिर लखनऊ शहर के जैसे और किसी ब्रांच में यदि ओपनिंग होने वाली होगी तो आप जो ऑलरेडी यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार का आउटलेट ओपन हो चुका है वहाँ के आप मैनेजर से मिल सकते हैं, वहाँ के आप गार्ड से संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टाफ मेंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सही तरीका बता देंगे कि एचआर से आपको कैसे कांटेक्ट करना है, एचआर तक आपको अपना रिज्यूम कैसे फॉरवर्ड करना है। ये ऑफलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड थोड़ा सा आसान भी है थोड़ा सा मुश्किल भी है। कारण ये है दोस्तों यहाँ पे कि ऑफलाइन में आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उनके टच में रहना पड़ेगा, दो दिन तीन दिन में आपको यहाँ पे अपडेट्स लेती रहनी पड़ेगी कि इंटरव्यू कब हो रहे हैं, किस सिटी के लिए हो रहे हैं, सारी चीज़ें। और ऑनलाइन मेथड के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑनलाइन मेथड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट है रिलायंस की तरफ से जो कि पूरे रिलायंस के जितने भी जॉब वैकेंसीज हैं उनको यहाँ पे हैंडल करती है। वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक में हो, गैस में हो, टेक्निकल में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इसके जितने भी आउटलेट्स हैं स्मार्ट बाजार, स्मार्ट पॉइंट्स, सब जगह रिलायंस पे सब जगह की वैकेंसीज को जो है एक ही प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। तो यदि आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप कैपेबल हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप डायरेक्ट जो है उस वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ जाएं, आपको क्लिक करते ही वहाँ पे जॉब वैकेंसीज मिलेगी। एचआर का जो ईमेल आईडी है वो भी मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा जिसके जरिए आप डायरेक्ट उनको मेल लिखकर अपना रिज्यूम जो है उसके साथ अटैच करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके अतिरिक्त भी यदि आप मुझसे कोई जानकारी पाना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपके मन में और मुझसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम हैंडल जो है मेरा शो कर रहा होगा, आप यहाँ पे बेझिझक कभी भी किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको आपके हर समस्याओं का समाधान जो है उसके लिए प्रॉपर निष्कर्ष दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो